बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हाफिज़ाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर थर्ड लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स के क्या क्या इस्तेमाल हैं डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज में। सो लेट स्टार्ट। यूजेज ऑफ एसिड्स, अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स इज गिवन बिलो। मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स हैं जो कि डिफरेंट मिनरल्स को मिलाने से बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। और यहाँ पर मिनरल एसिड्स के मुख्तसर से यूजेस बयान किए गए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रो रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरिक रिप्रेजेंट्स क्लोरीन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला इसीलिए HCl है, H हाइड्रोजन की सिंबल है और Cl क्लोरीन की सिंबल है। इन दोनों सिंबल्स को मिलाने से बनता है HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला भी है। अब यूजेस देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सतह से जंग को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट NaCl, हम आम जो नमक इस्तेमाल करते हैं घर में उसको साफ करने के लिए, उससे इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए भी HCl यूज किया जाता है। टू मेक एक्वा रिजिया 3HCl प्लस HNO3 यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड। एक्वा रिजिया एक लिक्विड है जो कि मेटल्स को डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इस लिक्विड को यूज करते हैं मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, उनको डिजोल्व करने के लिए। एक्वा रिजिया को गोल्ड की रिफाइनिंग में खास तौर पे यूज किया जाता है। रिफाइनिंग मीन्स कि गोल्ड के अंदर से जब लास्ट स्टेप में इम्प्यूरिटीज रिमूव की जा रही होती हैं, उसे प्योर बनाया जा रहा होता है, उस स्टेप पे एक्वा रिजिया यूज किया जाता है उसकी रिफाइनिंग में। नेक्स्ट यूज है फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। उसके अंदर से ग्लूकोज को बनाने का जो अमल है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आर स्टमिक, हमारे मेदे में खाने को मुनासिब तरीके से मुकम्मल तौर पर हजम करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत अहम रोल है। नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ये एसिड जो है खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज मवाद बनाने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, रंग वगैरह में, प्लास्टिक बनाने में और मस्नूई रेशम बनाने में भी नाइट्रिक एसिड यूज होता है। फॉर एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स लाइक कॉपर ब्रास एंड ब्रॉन्ज, मेटल्स के नेम्स हैं कॉपर ब्रास एंड ब्रॉन्ज, इन मेटल्स के ऊपर डिजाइनिंग करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो कि डिफरेंट मटेरियल से पानी को रिमूव करे। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट ETC, ये चंद एक खादों के नाम बताए गए हैं। इनको बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत अहम रोल है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। सेलुलॉइड प्लास्टिक एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्लास्टिक होता है जो कि इजीली बर्न भी हो सकता है। उस प्लास्टिक को बनाने में, मस्नूई रेशम बनाने में, पेंट वगैरह जो हम दीवारों पे रंग करते हैं, ड्रग्स यानी अद्वियात और डिटर्जेंट्स यानी सोप और सर्फ वगैरह, इन सब को बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का अहम किरदार है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल और डीजल वगैरह को प्योर करने में, उनसे इम्प्योरिटीज रिमूव करने में, टेक्सटाइल यानी कपड़े की सनत में, पेपर कागज की सनत एंड लेदर इंडस्ट्रीज और चमड़े की जो सनत है, इन सब में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इन लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज ऐसी बैटरीज है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, उन बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। द यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर सो लार्ज एंड सो इम्पोर्टेंट डेट इट इज नाउन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड के इतने ज्यादा डेली लाइफ में इस्तेमालात हैं
कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल्स का बादशाह भी कहा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि विच एसिड इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड इज रिगार्डेड या इज नाउन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। नीचे पिक में सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस दिखाए गए हैं। देखें, सबसे पहले है बिल्कुल ऊपर फर्टिलाइजर्स यानी खाद्य। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फसलों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं और बेहतर ग्रोथ करवाते हैं। अच्छी फसल उगती है और तेजी से उगती है। फाइबर्स एंड डाइज यानी कपड़ा बनाने में, कपड़े के धागे और रंग बनाने में। टैनिंग लेदर, टैनिंग लेदर का मतलब होता है जानवरों की खालों को एक खास प्रोसेस से गुजार कर उनसे चमड़ा बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग लेदर। उसके बाद है सोप एंड डिटर्जेंट्स, देन क्लीनिंग मेटल्स, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स। ये सारे यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, और अभी ये चंद एक यूजेस हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल हैं। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स यानी अचार, अचार बनाने में एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? ऐसे धागे जो कि इंसान खुद बनाते हैं केमिकल्स को यूज करके। कुछ धागे जो हैं वो इंसान नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, और कुछ फाइबर्स जो हैं उनको इंसान खुद बनाता है। ऐसे फाइबर्स को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने में भी एसिटिक एसिड का बहुत ही अहम किरदार है। होम टास्क, लर्न ऑल द यूजेस ऑफ एसिड्स। अभी हमने जितने भी एसिड्स के यूजेस पढ़े हैं इन सबको आपने डिटेल में याद करना है, इसी तरह पॉइंट्स में लिखना है। यही आज का आपका होम टास्क है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।